back. This is Saurav. Now you have started watching the rata classes. जैसा कि आप देख रहे हैं hashtag oversubscription, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा oversubscription पे. और जैसा कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंपनी के जितना उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स को इश्यू किया है कि पब्लिक आए और हमारे नंबर ऑफ मतलब कि उन शेयर्स को सब्सक्राइब करें और हमारे कंपनी की जो शेयर्स है उसके वो हकदार बने और मालिक बने. तो कभी कभी ऐसा होता है, हर बार नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जितने नंबर ऑफ शेयर्स को इश्यू करा है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, उससे ज्यादा लोगों ने अगर सब्सक्राइब किया है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी इस केस को करती है, कहती है कि वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है. और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं बीइंग अ कंपनी? व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स बिफोर यू दैट यू कैन यूज? तो आपके पास में जो अल्टरनेटिव्स होती हैं, आप क्या करेंगे? तो पहला आपका जो अल्टरनेटिव ये होगा कि जो आपकी जितनी इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अगर उससे जितना एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब हुआ है, आप उनको लेटर ऑफ रिग्रेट, मतलब कि भैया मुझे माफ करो, मैं आपको अपने कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बना सकता. तो अगर आपने एक्सेस नंबर ऑफ शेयर आपने रिसीव किया है तो आप उसको रिफंड कर दीजिए लेटर ऑफ रिग्रेट बोल करके, भेज करके. तो लेटर ऑफ रिग्रेट भेज करके आप क्या करते हैं, माफी मांग लेते हैं, नहीं भैया हम आपको शेयर होल्डर नहीं बना सकते हैं. दूसरी जो आपकी अल्टरनेटिव होगी वो क्या होगी, आप कुछ शेयर को रिग्रेट लेटर ऑफ रिग्रेट भेज करके आप उनको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे उनकी जो उन्होंने अप्लाइड मनी उन्होंने आपको पे करी है. और जो रेस्ट आप चाहते हैं, डिजायर करते हैं कि नहीं इनको हम लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं, तो उस जगह पे आप जो रिमेनिंग आपके जो शेयर होल्डर्स होंगे, जो अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं. पहली जो आपकी अल्टरनेटिव थी वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग कि वहां पर जो एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स थी उसको हम लोग लेटर ऑफ रिग्रेट भेज करके हम लोग शेयर्स को रिफंड कर देते थे. और जो दूसरी केस हमारी आई जहां पर दूसरी सेकेंड अल्टरनेटिव जो हम लोगों ने यूज किया, वहां पर क्या था कि कुछ को एक्सेप्ट कर दिए और कुछ को लेटर ऑफ रिग्रेट भेज करके हम लोगों ने उनको रफा दफा कर दिया. और तीसरी जो है अल्टरनेटिव जहां पर आप बराबर फंसते हैं, उसमें होता है कि अगर आपने कुछ को एक्सेप्ट किया, कुछ को आपने लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड करके उनको रिफंड कर दिया, और कुछ जो होती हैं जो कि जिनको हम लोग प्रो राटा बेसिस पे, इसको हम लोग प्रो राटा बोलते हैं, प्रोपोर्शनल और रेशियो उसका. तो प्रो राटा जो हम लोग करते हैं उसमें होता क्या है, प्रो राटा तो उसमें कुछ को आप एक्सेप्ट करोगे जिसको कि आप शेयर कैपिटल में भेजोगे, कुछ को आप क्या करेंगे शेयर अलॉटमेंट भी भेजेंगे, और जो रेस्ट होगी उसको आप क्या करेंगे एडवांस में आप ट्रांसफर कर देंगे, कॉल से एडवांस में. तो आपके पास में जब प्रोराटा की जो केस आएगी, जब आपको बोला जाता है क्वेश्चन में कि कुछ को आपने क्या किया एक्सेप्ट किया, कुछ को आपने लेटर ऑफ रिग्रेट भेज करके उनको रफा दफा कर दिया, रिफंड कर दिया, और जो बाकी जो आपकी रिमेनिंग शेयर्स थी उनको क्या किया प्रोराटा कर दिया. प्रोराटा मतलब कि आपने कुछ को शेयर कैपिटल में मतलब कि कुछ को एक्सेप्ट किया, उनमें से जो रिमेनिंग आपकी शेयर्स थी आउट ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच वर रिफंडेड, आउट ऑफ द शेयर्स व्हिच वर अलॉटेड, एंड द रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच वर अपॉन व्हिच द प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड. तो शेयर कैपिटल में कुछ को भेजेंगे, कुछ को शेयर अलॉटमेंट भेजेंगे, और जो आपकी जो कुछ उसके बाद जो रिमेनिंग आपकी बचेंगी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उसको कॉल्स इन एडवांस बोल करके भेज देंगे. उसके बावजूद भी कुछ बचता है तो आप उनको रिफंड कर देंगे. और कभी कभी आपको क्या होता है कि प्रो राटा बेसिस पे आपको दिया रहता है कि अगर पार्टिकुलर जो रिमेनिंग आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको रिफंड किया जा रहा है तो आप कॉल्स इन एडवांस में उनको ट्रांसफर नहीं करेंगे. फर्स्ट अल्टरनेटिव में क्या बोला था आपको कि जितना अमाउंट आप रिसीव करते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर पे, पहली आपकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जो आप अमाउंट को लिखेंगे वो होगा
ओवर सब्सक्राइब्ड, मतलब जितनी भी सब्सक्रिप्शन आपके पास आ रही है नंबर ऑफ शेयर्स की, आप उनको एप्लीकेशन की जो फेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? मतलब पहले जो आपको लिखना है वो लिखना है, ये लिखना है कि जितनी नंबर ऑफ शेयर्स पे आपको एप्लीकेशन के हिसाब से आ रहा है, एप्लीकेशन पे आप रिसीव कर रहे हो, तो एप्लीकेशन की फेस वैल्यू से आप उसको मल्टीप्लाई करो। आगे जो आपका सेकेंड एंट्री उसके बाद होगा एडजस्टमेंट का, तो उसमें मैं आपको क्या बोला, फर्स्ट अल्टरनेटिव में जो एक्सेस नंबर ऑफ शेयर जिसपे रुपया आप रिसीव कर रहे हैं, अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, आप उनको टोटली रिफंड कर देते हैं लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड कर, मतलब कि भेज करके। तो यहां पर वही करना है आपको, करना क्या है कि क्या किया मैंने यहां पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो सेकंड एडजस्टमेंट एंट्री होती है वहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगी डेबिट। पहले जो आप करते थे जहां पर एग्जैक्टली जितनी आपको रिक्वायरमेंट थी शेयर्स की, जब आपको उतना नंबर ऑफ शेयर्स पे एप्लीकेशन भी आता था, तो आप क्या करते थे, आप करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट जब बात ये आएगी कि आपको जो एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स है उनको रिफंड करना है, तो आपने बैंक से रिसीव किया था ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसका जस्ट अपोजिट एंट्री समझ लीजिए, रिवर्स एंट्री समझ लीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू हो जाएगा बैंक, क्योंकि आपने क्या किया है जो एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स आपकी थी उसका रुपया आपने क्या किया मनी को जो है आपने बैंक अकाउंट से आपने उनको क्रेडिट कर दिया। पहले आपने बैंक को डेबिट किया था, आपने क्या किया बैंक को क्रेडिट कर दिया विद द सेम अमाउंट दैट यू दैट द कंपनी वांटेड टू रिफंड दैट द कंपनी वांटेड टू दैट द कंपनी डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट एट ऑल। सो ये आपकी थी पहली अल्टरनेटिव, और जो अब मैं बता रहा हूं आपको सेकंड अल्टरनेटिव। देखिए आपका सेकंड अल्टरनेटिव होगा उसमें हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोराटा, मतलब कि इसको हम पार्शियल पार्शियली आप एडजस्टमेंट कर कह सकते हैं इसको, इसमें कि आपकी जो शेयर की जो एप्लीकेशन मनी जितनी रिसीव होती है उसको हम लोग क्या करते हैं कि कुछ को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ को शेयर कॉल्स इन एडवांस के तौर पे ले लेते हैं, और कुछ को शेयर अलॉटमेंट के अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। पहले आपका शेयर अलॉटमेंट आता है, बाद में शेयर कॉल्स इन एडवांस आता है। आप ऊपर नीचे एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आप उसको एडजस्ट करते हैं टेबल चार्ट बना करके, जो टेबल आप बनाते हैं, तो वहां पर आपको दिखाना होगा पहले कि अलॉटमेंट में पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगी आपकी, उसको शेयर अलॉटमेंट में जाएगी, उसके बाद आपका शेयर कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि यहां पर एक आपको टेबल बना के दिखाया जाए कि सपोज अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि कंपनी की जो एप्लीकेशन मनी है वो है ₹2 से, अलॉटमेंट की जो है वो है ₹1, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की क्या है सिर्फ ₹1 है, और हम लोग ये सपोज कर रहे हैं कि जो कंपनी ने मीन्स इश्यू किया था क्या शेयर को, टोटल नंबर ऑफ मीन्स शेयर्स विच वर इश्यूड वॉज 40,000, और जो सब्सक्रिप्शन आया है लोगों ने जो अप्लाई किया है वो था आपका 70,000, तो हम लोग उसको सेकेंड अल्टरनेटिव प्रोराटा के केस में हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने चार्ट आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है, एज यू कैन लुक हियर, अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है आपकी 70,000, अलॉटमेंट जो हुआ है वो हुआ है 40,000 का, एजिस्टेटेड है वो, और फिर आपका जो कॉलम है वो है एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट का। तो आप क्या दिखाएंगे कि 70,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे आपने ₹2 के हिसाब से, क्योंकि आपका एप्लीकेशन का जो फेस वैल्यू है वो है ₹2, 70,000 × ₹2 = 140,000। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये तो आपकी एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट यहां तक दिखा दिए, पहले क्या अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स, दूसरा कितना आपने यूज किया, और एप्लीकेशन मनी पहले आपकी कितनी आई हुई थी, उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन मनी है उसको आपने यूज कैसे किया, वो तो रिसिप्ट है, यहां पर आपको दिखाना है यूज। तो प्रोराटा के केस में क्या करना होता है कि आपकी जो शेयर कैपिटल की जो वैल्यू होगी, मतलब जो आपने जिसकी आप कंपनी को जितनी नंबर ऑफ शेयर्स की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से 40,000 × ₹2, क्योंकि 40,000 कंपनी ने इशू किया था और ₹2 के हिसाब से उनको अमाउंट को रिसीव भी करना था, तो ₹40,000 शेयर को ₹2 से आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट 80,000। दूसरा शेयर अलॉटमेंट पे आपको ट्रांसफर करना है विद द फेस वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट, मतलब कि जो आपके अलॉटेड शेयर्स हैं उनको आपको अलॉटमेंट की जो फेस वैल्यू होगी उनसे मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर लिखना है आपको कि शेयर अलॉटमेंट पे हम लोग कितना ट्रांसफर किया, और यही अमाउंट जो होगी जब हम लोग शेयर अलॉटमेंट के केस में ड्यू दिखाएंगे तो हम लोग इस एडवांस किए गए अमाउंट को हम लोग उससे माइनस करके दिखाएंगे। थर्ड आपका जो होगा वो होगा आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, आपने अलॉटमेंट का एडवांस कर दिया, लेकिन फिर भी आपका जो 140,000 जो आपने रिसीव किया था एप्लीकेशन पे, 80 + 40 कितना होता है 120,000, तो वो 140,000 से क्या है आपका 120,000 अभी भी कुछ ना कुछ आपका अमाउंट जो है बच रहा है। तो अगर
स्टेट नहीं किया गया है कि कंपनी ने एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स को प्रोराटा के केस में भी क्या किया है कि रिफंड किया है, तो आपको वो जो आपका एक्सेस अमाउंट होगा उसको कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर करना है और बैलेंस्ड अमाउंट करना है। आप ये मत करिएगा कि 40,000 इनटू सर फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी तो एक रुपया है फेस वैल्यू, उसको हम 40 से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। नहीं, आपको एप्लीकेशन की जो मनी आपने रिसीव करी है कैपिटल में भेजने के बाद, अलॉटमेंट में भेजने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या जो भी आपका जो कॉल होगा उसमें आप उसको ट्रांसफर कर देंगे। और रिफंड के केस में क्या होगा, आपको रिफंड के कॉलम में आपको उसको वैकेंट रखना है। क्लियर हुआ लोगों को? बराबर ये ट्रॉबल होता है ये समझने में कि सर हम लोग चार्ट कैसे बनाएंगे। चार्ट बड़ा ही सिंपल है, पहले आप अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स लिख दो, फिर उसको अलॉटेड को लिख दो जितना आपने यूज किया, एप्लीकेशन मनी आपने कितनी रिसीव करी थी फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके लिख दो। जब बात आएगी एप्लीकेशन मनी यूज की तो वहां पर आपको देखना है कि शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स इन एडवांस और बैंक, मतलब रिफंड वाला कॉलम आपको बनाना है। और पहले शेयर कैपिटल में आपकी एप्लीकेशन की फेस वैल्यू से जितना आपने अलॉट किया है नंबर ऑफ शेयर्स को उसके हिसाब से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगा, सॉरी शेयर कैपिटल में चला जाएगा। अलॉटमेंट में आपको अलॉटमेंट का फेस वैल्यू रखना है और अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। दोनों की जो बैलेंस आएगी वो आपकी आएगी कॉल्स इन एडवांस में, ठीक है। और अगर आपको स्टेट किया गया कि रिफंड करना है तो आपको कॉल्स इन एडवांस में नहीं भेज करके आपको रिफंड के कॉलम में आपको एक्सेस अमाउंट को भेजना है। और जो आपका थर्ड अल्टरनेटिव है मैं आपको उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। थर्ड अल्टरनेटिव आपको क्या करना है कि आपको जो आपने पहले किया था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को एडजस्ट किया था, जैसे कि आपने फर्स्ट अल्टरनेटिव में किया, आपने सेकंड अल्टरनेटिव में किया, थर्ड अल्टरनेटिव में आपको सेम एंट्री करनी है। क्या करना है कि आपको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एज अर्लियर मेंशनड, ये आपका क्या होगा थर्ड अल्टरनेटिव का पहला और दूसरे का, मतलब आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव और सेकंड अल्टरनेटिव का ये क्या होगा कंबाइन एंट्री होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट मिस हम लोगों ने पहले केस में देखा था कि हम लोग कुछ को एक्सेप्ट करते थे जो कि शेयर कैपिटल में जाता था और जो कुछ हम लोग रिफंड कर देते थे वो हमारा बैंक अकाउंट में चला जाता था। सेकेंड में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कुछ को शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया out of the total amount that we received at the time of application, और उसके बाद कुछ को हम लोगों ने calls in advance के तौर पे रख लिया, मतलब या तो हम लोग share allotment में भेजेंगे या तो share capital calls in advance को हम लोग कर देंगे या दोनों कर सकते हैं। ये हमारी मतलब second alternative हम लोगों ने इसको जाना। और pro rata का आपको case तो समझ में आ ही गया है, तो आप तीनों को कंबाइन करके आप एक एंट्री बना सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट विद अमाउंट दैट यू रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन to share capital account as you did in the earlier case, first case में आपने किया था, second में share allotment account, फिर share calls in advance account, फिर आपका bank account, मतलब हम लोगों ने first alternative और second alternative को यहाँ पे use किया है together। और अब मैं अपने next video session में बताऊंगा आपको एक problem, practical problem को लेकर के, और अगर आपको वो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट दोनों करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना रिव्यू दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो कि जस्ट आपके नीचे होगा, मतलब स्क्रीन के नीचे होगा, आप उसे स्क्रॉल डाउन करके कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं, कुछ डाउट स्टिल आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और मैं आपके डाउट्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बना मतलब कुछ वीडियोज़ बना के आपको आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। If you did like this video, share it with your native ones and don't forget to hit the subscribe button and share it as much as you can. Thanks for watching.